नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी कि टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले चैनल्स का भंडाफोड़ करने के बाद प्रमुख विज्ञापन दाताओं और मीडिया एजेंसियों का कहना है कि वो इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ऐसे में पार्ले के प्रोडक्शन करने वाली कंपनी ने बिल्कुल साफ तौर पर फैसला ले लिया है कि वह पार्ले जी बिस्किट का टीवी पर एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी। और वहीं पार्ले जी से पहले उद्योगपति और बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने कहा था कि उनकी कंपनी ने 3 न्यूज चैनल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, हालांकि नाम नहीं लिया है। यह फैसला टीआरपी स्कैम के बाद लिया गया है। नाम चैनल्स के कौन कौन से हैं आपको पता है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक का भी नाम था। अब थोड़ा बुद्धि पे जोर डालिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आम आदमी पार्टी भी अपना एडवर्टीजमेंट उन नफरती चैनल्स को देती है। नाम नहीं लूंगा, समझदार हैं आप सभी। अब आप सोचिए कि बजाज और पार्ले जैसी कंपनियां उन चैनल्स को अपना विज्ञापन नहीं देंगी क्योंकि वो चैनल्स टॉक्सिसिटी को प्रचारित करते हैं, सनसनी फैलाते हैं और नफरत को फैलाते हैं। इसका मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी भी इन तीनों यानी कि टॉक्सिसिटी, सनसनी, नफरत को फैलाने का सपोर्ट करती है? सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। अब मैंने यहां पर आम आदमी पार्टी की बात क्यों की, इसीलिए की क्योंकि ये पार्टी अपने आप को एक अलग राजनीति के लिए जानी जाती है जो बदलाव की बात करती है, स्कूल से लेकर के गरीब बच्चों तक का सबका एक समान ध्यान रखती है, लेकिन साथ में रिपब्लिक जैसे चैनल्स को मोटा पैसा भी देती है ताकि खुद को प्रमोट भी कर सके। ऐसे चैनल को ऐड नहीं देना वाकई एक अच्छा स्टेप मैं मानता हूँ। और अगर बाकी एडवर्टाइजर भी इस कतार में लगते हैं, आप यकीन मानिए इन न्यूज चैनल को अपने कंटेंट में मजबूरन बदलाव करना होगा और अच्छा कंटेंट देश की जनता को दिखाना होगा, और वही असली में देश हित होगा। प्रोग्राम का नाम देश हित रखने से देश हित नहीं हो सकता। और आप सभी को पता है कि एक न्यूज चैनल सिर्फ एड पर ही अपने ऑपरेशंस को चला सकता है, बिना एडवर्टीजमेंट के थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर कटौती होती है बजट में एडवर्टीजमेंट की, उसका नुकसान झेलना एक चैनल के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। चैनल्स और अखबारों का पूरा जो बिजनेस है वो कॉरपोरेट और सरकारी विज्ञापनों के दम पर चलता है। सरकार केवल उन्हीं चैनल्स को या अखबारों को एडवर्टीजमेंट देती है जो सरकार के बनकर के काम करते हैं। सरकार उन चैनल को विज्ञापन देना बंद कर देती है जो सरकार से जरूरी प्रश्न करते हैं। और अगर कॉरपोरेट एड बंद हो जाता है तो यकीन मानिए जो गोदी मीडिया है ना, इसको जबरदस्ती अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। और सही मायने में मैं बताऊं, जर्नलिज्म वहां से स्टार्ट होगी। अब खबर ये भी आ रही है कि जो बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने भी ये संकल्प लेने जा रहे हैं कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना एड नहीं देंगे। आप यकीन मानिए इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं हो सकता है, और आपको सल्यूट करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए पार्ले और बजाज का। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये कदम क्या वास्तविक रूप से क्रांति ला सकता है जो एडवर्टाइजर्स ने लिया है? आपका पर्सनली क्या सोचना है कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट के साथ साथ आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यूट्यूब मेंबरशिप से लेकर के आप पेट्रियन मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।